39 BPM, जो चीज में जानी नहीं है वो चीज पे एक कैसे। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। और भाई आ गए हैं नई वीडियो इस वॉच के ऊपर। अभी ये वॉच कौन सी है जिसको भी पता नहीं है, कल मैंने अनबॉक्सिंग किया था डिजो का वॉच 2, दो डिजो वॉच मैंने ऑर्डर करके अनबॉक्सिंग किए थे। सो गाइस, अभी मैंने ना ऑलरेडी 2 दिन पहले चेक किया था, पर तीसरे दिन अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। और जो भाई डीजो के लवर्स है, वीडियो उनके लिए नहीं है क्योंकि हेडफुल वीडियो होने वाली है और काफ़ी कुछ मैं बताने वाला हूँ सच्चाई इस वॉच के बारे में, और जो कि मैं टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा आपको रियल में कि भाई इसमें फेक सेंसर्स है। हाँ, फेक सेंसर्स है, आप सही सुन रहे हो दोस्तों। अगर आप इसकी डिपेंडेंट होकर हार्ट मॉनिटर SpO2 चेक करोगे ना, तो मतलब आपकी जान खतरे में आ सकती है अगर आप सीरियसली मतलब ऐसे कंडीशन में हो। सो गाइस, इसके ऊपर भरोसा मत करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और फेक सेंसर्स कैसे है मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा, वो कैसे एक एक करके बताएंगे, लेकिन बात कर लेते हैं अभी छोटी सी स्टोरी टाइप। सो अभी जैसे कि मैंने 2 दिन पहले यूज़ किया था, तब मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की। कल मैंने जब वीडियो अपलोड किया तो मेरे को एक सब्सक्राइबर ने जिसने वॉच ऑर्डर किया था उसको मिला, उसने कुछ कुछ चीज़ें चेक की और एक वीडियो लिंक मुझे भेजा, तो मुझे लगा कि कुछ होगा, तो मैंने ओपन करके देखा, तो भाई लिटरली मैं शॉक था। हाँ गाइस, मैं शॉक था ये देखने के बाद कि भाई एक कैसे पॉसिबल है। तो फिर मेरा तो माथा ही ठंक गया एकदम कि क्या हो रहा है भाई, ये कंपनी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकती है। तो मैंने अपना भी रिसर्च करना चालू किया, मैंने भी टेस्टिंग चालू कर दी इस पे, जैसे जैसे मुझे करनी थी हर एक वे से टेस्टिंग चालू कर दी। सो गाइस, जो निकल के आया ना, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था आप लोगों के लिए। अगर आप एक स्मार्ट वॉच खरीदने का सोच रहे हो या आपके पास ऑलरेडी कोई स्मार्ट वॉच है, तो गाइस मैं जो आज आपको टेस्टिंग करके बताने वाला हूँ, प्लीज़ ऐसे टेस्ट करके देखो कि आपके वॉच में भी ये इशू है क्या। अगर है तो भाई मतलब उसका जो सेंसर है वो फेक है, मतलब फेक सेंसर तो लगे हुए हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। और आपको फ्यूचर में ऐसे स्मार्ट वॉच खरीदने चाहिए इसके ऊपर डिपेंडेंट होना, कोई स्पोर्ट मोड को यूज़ करने के लिए या कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको क्या डिपेंडेंट होना चाहिए, पूरा बात करेंगे इस वीडियो में। तो टेस्टिंग चालू करते हैं और आपको मैं इन डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर निकल के आ रहा है दोस्तों। सो गाइस, अभी जैसे कि ये स्मार्ट वॉच है, अभी मैंने अपने हाथ पे पहन के रखा हुआ है, तो मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, अभी उल्टा दिखेगा आपको। सो गाइस, अभी मैं हार्ट रेट चालू करता हूँ, तो ये हार्ट रेट लेना चालू कर दिया मेरा, ऑब्वियस ही बात है पीछे आपको दिखेगा ग्रीन लाइट भी आ रही है, तो ये हार्ट रेट मेरा भी ले रहा है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो गाइस, अभी 96 BPM, 99 BPM, 100 BPM, 102 BPM, 104 BPM ऐसा दिखा रहा है। अभी मेरे हाथ में है तब तक तो ठीक है, अभी मैं इसको निकालता हूँ और आपको इसका सेंसर का प्रॉब्लम बताता हूँ। अभी मैंने इसको निकाल दिया, मैंने अपने नॉर्मल टेबल पे रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, सिंपल मैं टेबल को हाथ तक नहीं लगा रहा हूँ, मेरा हाथ ऊपर है। हार्ट रेट ले रहा है कि नहीं ले रहा है पता चल जाएगा। ठीक है, बता दिया कि हाथ में पहनो नहीं तो ये नहीं बताएगा। ठीक है, मैंने हाथ में नहीं पहना है, हाथ भी ऊपर है। अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ और हार्ट रेट चालू करता हूँ, अब असली फील है, हाथ मेरा ऊपर है, मैंने टच भी नहीं किया है, देख सकते हो ये हार्ट बीट काउंट कर रहा है, लिटरली हार्ट बीट काउंट कर रहा है। BPM, जो चीज़ में जानी नहीं है वो चीज़ पे एक कैसे 79 BPM दिखा सकता है, एक ऐसी वॉच है भाई, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। मतलब भाई सेंसर तो है पर वो फेक है, फेक नहीं मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, अपना दिमाग यूज़ नहीं करता है भाई ये। अगर आप सोच रहे हो ना कि इसके ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हो तो नहीं हो सकते अभी। हाँ, और एक सवाल था इससे मेरा और भी थोड़ा माथा ठनका कि मेरा एक सब्सक्राइबर ही है, वो साइकिल चला रहा था और बोल रहा था कि मेरा जो स्टेप काउंट है वो बराबर नहीं हो रहे, तो मैं बोला कि चलो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल मैं साइकिल नहीं चला रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है नहीं चला सकता, तो आपको और एक चीज़ इसकी मज़ा दिखाता हूँ। मैं अभी गया इसके वर्कआउट रिकॉर्ड्स तो नहीं है मेरे कुछ, वर्कआउट में गया, आउटडोर साइकिलिंग में मैं क्लिक कर लेता हूँ, अरे 1 2 3 करके चालू हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं अभी। ऑब्वियसली बात है साइकिलिंग तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो मेरा हार्ट रेट तो आना नहीं चाहिए इसके अंदर, नॉर्मल है ना दोस्तों, हार्ट रेट तो नहीं आना चाहिए। अब देखो क्या होता है इसके साथ, टाइम चालू है जैसे आप देख पा रहे हो, सब पता चलेगा, सब
103 BPM का हार्ट रेट बता रहा है, जबकि मैं साइकिल चला ही नहीं रहा हूँ और मेरा हार्ट रेट इतना बता रहा है। हार्ट रेट ज़ीरो होना चाहिए, अगर मैंने नॉर्मल भी यूज़ करके रखा है तो हार्ट रेट ज़ीरो होना चाहिए ना ब्रो, सही बात है, लेकिन नहीं है। मेरा हार्ट रेट इतना दिखा रहा है इस वॉच को, जबकि मैंने हाथ में पहना तक नहीं है वॉच, यकीन कर सकते हो। सो गाइस यही चीज़ है, SCM SPO2 में भी है और सेम चीज़ सब वर्कआउट मोड पे भी है, जितने भी वर्कआउट मोड मिलते हैं इस वॉच में, बाकी हार्ट रेट में भी है, मतलब एक खुद के बेल्ट को भी सेंस कर लेता है। आप सोच सकते हो जिसमें जानी नहीं है उसको भी ये सेंस कर रहा है, मतलब आपको ऐसे करके अगर वॉच रख के अगर आप दूसरे चीज़ें कर रहे हो ना, ऐसे ऐसे आपको फॉर्मेट में रखना है, ऐसे फॉर्मेट में आपको रखना है और आपके वॉच को चेक करना है कि उसके सेंसर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एप्पल वॉच में मैंने ट्राई किया, नहीं होता, सब चीज़ मैंने एप्पल वॉच में भी ट्राई किया और इसमें भी ट्राई कर रहा हूँ, इसमें हो रहा है पर एप्पल वॉच में नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली बात है उसमें नहीं होगा, और मेरे को इतना 100% श्योर है कि सैमसंग में भी नहीं होगा, ये चीज़ ऐसे ही वॉच में होते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है, मतलब वही है कि गाइस अगर ये सब वॉच आप ले रहे हो ना तो शो शाइनिंग के लिए ले लो, टाइम देखने के लिए ले दो, बस उसके लिए ये वॉच है, बाकी ये सब वॉच वो सब चीज़ों के लिए नहीं है अगर आपकी वॉच भी ऐसे काम कर रही है। ये बस इतना ही वीडियो था, इतना ही मेरे को आप तक एक चीज़ था जो मुझे लगा कि एक टेक यूट्यूबर होने के कारण होने के इससे नज़रिए से मुझे ये चीज़ आप तक पहुँचानी चाहिए कि मैं क्या ही बोलूँ। अभी आप समझ लो यार आपको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस पर, फिलहाल मेरा तो मन उठ चुका है ऐसे वॉच से, रिव्यू तो करेंगे बिल्कुल भी और ऐसी टेस्टिंग भी लाएंगे आपके लिए, लेकिन आप क्या बोलते हो, आपके क्या राय है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को हर एक जगह पे, और जो भी ऐसे वॉच यूज़ करते हैं ना उनको असलियत पता चले इस वॉच की, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 10,000 होने वाले। तो गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी, ऐसी सच्चाई बाहर निकालते रहेंगे हम लोग, ऐसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।